नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली के रिंकू हत्याकांड का सच आखिर क्या है? क्या सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से रिंकू की बेरहमी से हत्या कर दी गई? हर सवाल से पर्दा उठेगा, क्योंकि अब यह केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम इस केस के तमाम एंगल के साथ ही धार्मिक एंगल के दावे की भी जांच करेगी। परिवार का आरोप है कि रिंकू को जय श्री राम का नारा लगाने के चलते बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि पुलिस का दावा अलग है, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एक बर्थडे पार्टी में झगड़े के बाद रिंकू की हत्या हुई, लेकिन इंडिया टीवी ने उस रेस्टोरेंट के मालिक से बात की जिसने हमें ये जानकारी दी कि बर्थडे पार्टी के दौरान कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। अब रिंकू के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा जबरदस्त है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, सोशल मीडिया पर आक्रोश जताया जा रहा है। #justiceforrinkushrma के साथ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मंगोलपुरी में इस वक्त कितनी टेंशन है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलपुरी के ब्लॉक में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर बुधवार की रात को रिंकू शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। करीब 20 से 30 लोग हाथ में लाठी डंडे चाकू लिए रिंकू पर हमला करने आए और रिंकू की पीठ पे छुरा खोपा गया। इसके अलावा लाठी डंडों से उसे बहुत जोर से मारा गया, जिसके बाद से इलाके में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इसी के चलते सुरक्षा के लिहाज से CRPF की तैनाती यहाँ पर की गई है, ताकि जो माहौल है वो यहाँ पर खराब ना हो। और पूरी गली को एक तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी इसी गली के या फिर इसके नजदीक की गलियों के रहने वाले हैं। ऐसे में इलाके में माहौल खराब ना हो या परिवार पर किसी भी तरीके का और कोई हमला ना हो, परिवार को सुरक्षा दी जा सके, इसी लिहाज से पूरी गली में इस वक्त CRPF की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। और गली के अंतिम छोर पर और स्टार्टिंग में एक तरीके से गली को बंद किया गया है, ताकि कोई भी इस गली के अंदर ना आ पाए और ना ही परिवार को किसी भी तरीके का कोई और खतरा हो। आपको बताएं कि नसीरुद्दीन, जो इनमें से एक आरोपी है, उस आरोपी का ये घर है और इस वक्त घर पर ताला लगा हुआ है। घर के सभी लोग इस वक्त फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। और जहां पर एक आरोपी नसीरुद्दीन का घर है, वहीं से कुछ ही दूरी पर रिंकू शर्मा का घर है, सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर। बाकी के आरोपियों के घर भी यहाँ पर आसपास है। इनमें से एक आरोपी इस्लाम, जिसे रिंकू ने जिसकी पत्नी को खून दिया था जब उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, उसमें से इस्लाम भी इस मामले में एक दोषी है, आरोपी है। इस्लाम भी उन्हीं 30 लोगों में शामिल था जिन्होंने आकर रिंकू पर हमला किया। और ये रिंकू शर्मा का घर है, जहाँ पर इस वक्त परिवार में सन्नाटा हुआ है। परिवार के लगातार ये मांग है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच इस वक्त चल रही है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, मंगोलपुरी, दिल्ली।